लंगड़ा है कि इस्लाम लंगड़ा लूला दीन है। यहां तिजारत का निजाम नहीं है, यहां हकूमत का निजाम नहीं है। अब हकूमत का निजाम लेने के लिए हमें जमहूरियत के जमहूरियत की शरीयत को अपने दीन के अंदर दाखिल करना पड़ेगा। नमाज दीन से ले लो, रोजा दीन से ले लो, जमहूरियत कहीं और से ले लो, मईशियत कहीं और से ले लो, माशरत कहीं और से ले लो, तरीका तहजीब कहीं और से ले लो, शादी ब्याह के तरीके कहीं और से ले लो। जिसने ये अकीदा रखा कि इस्लाम सारा का सारा कामिल दीन इस वक्त वक्त के तकाजों को पूरा नहीं करता, बल्कि बाकी निजाम जो लोगों ने बनाए हैं वो इससे ज्यादा बेहतर हैं, तो ये इंसान अहले ईमान में से नहीं है और मालिक इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल भी नहीं करेगा। وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ। जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करता है, शादी करते हुए कोई और दीन, तिजारत करते हुए कोई और दीन, सियासत करते हुए कोई और दीन, मईशत और माशरत में कोई और दीन, तो अल्लाह उसको कबूल ना करेगा और आखरत में नुकसान पाने वालों में ये शामिल होगा। जिसने इंसान के बनाए हुए तागूती निज़ाम को, उनके कवानीन के, उनके तरीकों को बेहतर समझा, या जानी को रजम करने, चोर के हाथ काटने को आज के दौर के लिए नामुनासिब ख्याल किया। कितने जालिमों के जुमले आपने सुने हैं, वो जी बात तो ठीक है लेकिन इस्लाम की जो हदूद की सजाएं हैं, जानी को रजम करना, चोर के हाथ काटना, ये वहशियाना सजाएं हैं, ये गैर इंसानी सजाएं हैं। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, तुझे इंसानियत का ज्यादा पता है और जिसने इंसानियत को पैदा किया है वो उनको नहीं जानता। जिसने ये समझा कि इस्लाम की यह हदूद का निज़ाम वहशियाना है, जालिमाना है, रजम करना जालिमों वाला काम है, कोड़े मारना जालिमों वाला काम है, चोरों के हाथ काटना जालिमों वाला है, ये नामुनासिब है, इसकी बजाय जो लोगों ने कानून बना रखे हैं वो बिल्कुल जायज़ और ठीक हैं, ये इंसान वादी ईमान से निकल कर वादी कुफर में दाखिल हो जाता है। अलम तरा इलल लदीना यज़्उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिनका दावा तो यह है कि जो कुछ आप पे नाजिल हुआ हम उस पर ईमान लेकर आए, जो आपसे पहले नाजिल हुआ और हम उन पर ईमान लेकर आए, लेकिन फैसला करवाते हुए ये तवागीत के पास जाते हैं, तागूत की अदालतों में जाते हैं, गैरुल्लाह के बनाए हुए निजाम और उनको लागू किए हुए निजामों से अपना फैसला करवाते हैं। वक़द उमिरू ऐ यकफुरू बिही, और इनको तो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम इन निजाम को, तागूत की इन अदालतों का इनकार करना, इन निजामों का इनकार करना और अल्लाह के उतारे हुए कानून के मुताबिक फैसला करना। वयुरीदु शैतानु ऐ युज़िल्लहुम ज़लालम बईदा, और शैतान तो चाहता है इन्हें बहका कर दूर की गुमराही में डाल दे। कुरान हकीम की एक और आयत पे गौर कीजिए, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़यता व युसल्लिमू तस्लीमा। मालिक ऐलान कर रहा है, फला व रब्बिक, तेरे परवरदिगार की कसम, ला युमिनून, ये मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम, जब तक अपने हर झगड़े में, हर मसले में, हर इख्तलाफ में फैसला ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ना करवा लें, और फैसला करवाने के बाद ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ, जो फैसला आप कर दो आपके फैसले के खिलाफ दिल में इनके नफरत भी ना आए। وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, और उस पर अमल करके भी दिखाएं, अगर ये आपको फैसला माने, आपसे फैसला करवाएं, आपके फैसले के खिलाफ दिल में नफरत ना आए, उस फैसले पे अमल करके दिखाएं, अब ये मोमिन है, और अगर ये चार काम नहीं करते, अल्लाह कहता है तेरे परवरदिगार की कसम ये मोमिन भी नहीं है। जिस किसी ने नबी करीम की लाई हुई शरीयत की किसी चीज को नापसंद किया, पांचवी चीज जो इंसान को वादिये ईमान से वादिये कुफर में ले जाती है, अगर अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत की कोई चीज किसी को नापसंद हो और वो उससे बुग्ज रखे, अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत की कोई चीज किसी को नापसंद हो और उससे नफरत करे, बुग्ज रखे, तो ऐसा इंसान भी वादिये ईमान से निकल के वादिये कुफर में दाखिल हो जाता है। एक है नबी की शरीयत के किसी मसले पर अमल ना करना, एक है उससे नफरत करना, उससे बुग्ज करना। मिसाल देता हूं इसकी, एक शख्स दाढ़ी शेव करवाता है और उसके दिल में यह है कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, ये गुनाहगार है। ये कौन है? गुनाहगार है। एक है जिसको दाढ़ी से नफरत है, दाढ़ी चाड़ी, दाढ़ी क्या चीज होती है, दाढ़ी में इस्लाम रखे,
उसे कोई कहो ना मैं दाढ़ी रखूं, दाढ़ी में इस्लाम रखे। भाई ये शैतान का जुमला है, अगर आप यूं चलोगे तो कोई चीज भी इस्लाम में, नमाज में इस्लाम रखा है, रोजे में इस्लाम रखा है, हज में इस्लाम रखा है, कुर्बानी में इस्लाम, एक एक आइटम निकालते जाओ ना, रोजे में इस्लाम, इस्लाम قال الله وقال الرسول में है ये चीज। नहीं जी नहीं, दाढ़ी इस्लाम में है, इस्लाम में दाढ़ी नहीं। एक बंदे को दाढ़ी से नफरत हो, वो क्लीन शेव को देखे तो बड़ा मुस्करा कर मिले, माशाल्लाह मेरे वर्ग ही आ गया है, और अगर कोई दाढ़ी वाला मिल जाए तो मौलवी, दाढ़ी वाला मौलवी, नहीं देखिए पता, मुल्ला परे हो, मुल्ला साहब, मौलवी साहब परे हैं, सूफी साहब, हाजी, उसको नाम से पुकार। इसलिए कितने लोग हैं जो बेचारे दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि जनाब मसला ये है कि देखे ना मैं 17 ग्रेन का ऑफिसर, ग्रेड का ऑफिसर हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे बड़े ऊपर हाई लेवल के लोगों में उठना बैठना है, अब तो मुझे सर कहकर पुकारते हैं, अगर दाढ़ी रख ली तो सुविजा पीछे हो जाए। अगर दाढ़ी ना रखे तो गुनाकार, अगर दाढ़ी से नफरत करे तो ये उसके कुफर की निशानी। इसी तरह पर्दा करना, एक औरत पर्दा नहीं करती वो गुनाहगार है, लेकिन अगर उसे पर्दे से नफरत हो, पर्दे से नफरत हो, तो ये उसकी नफरत करना रसूल की शरीयत से नफरत है जो उसको कुफर में ले जाती है। एक और मिसाल से समझ लें, 4 शादियां करना इस्लाम में इजाजत है, जरूरी नहीं है सारे औखे ना हो, वो जेड़े हो रहे ने उन्होंने होंडे हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 कर चुके हैं, तीसरी के चक्कर में हैं, परेशान नहीं होना। एक है 4 शादियां करना सुन्नत है, कोई करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहता ना करे, ठीक है। एक है 4 शादियों वाले मसले से नफरत, ये 4 शादियां मर्दों को 4 शादियां, अगर एक औरत 4 शादी के मसले से बुग्ज रखती है, नफरत करती है, एक तो है दिल में जो वैसे एक सोखनापे का जो जज्बा आता है वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर शरीयत की इस बात से उसे नफरत हो, यहां भी डर लगा रहता है कब दूसरी कर लेंगे, और जन्नत में तो है ही 2 हूरे पहले से बैठी हुई है, अगर उसको 4 शादियों से मर्द को या औरत को नफरत हो, इस मसले से नफरत हो जाए, तो ये इस्लाम की लाई हुई बात से नफरत उसको वादी कुफर में धकेल सकती है। इसी तरह इस्लाम की कोई बात अगर वो पसंद ना हो, उससे बुग्ज रखे, 2 मर्दों 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है, अगर इस्लाम की लाई हुई इस बात से किसी को नफरत हो, ठीक है, वो अपनी जुबान से अकली तौर पे इसके दलाइल देके इसका रद्द करे, जानी के रजम करने से उसे नफरत हो, चोर के हाथ काटने से उसे नफरत हो, तो ऐसे लोग दीन की किसी एक बात से बुग्ज रखने की बिना पर काफिर हो गए, इनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो शरीयत की हर हर बात को मानने के पाबंद है। अगर वो किसी बात से, शरीयत की बात से नफरत कर रहे हैं, तो ये इस्लाम से नफरत कर रहे हैं। मालिक फरमाता है वल्लज़ीन कफरू فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم। औरतों में शोर आ रहा है, बराए मेहरबानी उनको खामोश करवाइए, अब 4 शादियों का मसला है तो शोर ही करेंगी बेचारी, क्या करेंगे। मैं हर मर्द को नहीं दावत दे रहा कि आप इस पंगे में पढ़ें, लिहाजा आप एक पे ही सब्र करें, ये ना हो अगले दरस में हम आए तो कोई यहाँ बैठने सुनने वाला ही ना हो, बीबियाँ घर में ही रोक लेंगे, खबरदार इस मौलवी के दरस में नहीं जाना, जो करना चाहें ये वादी बड़ी मुश्किल है, फिर इसमें अदल व इंसाफ आप पे फ़र्ज हो जाता है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो 2 शादियां करता है या 1 से ज़्यादा उसकी बीवी है और वो अदल नहीं करता, इंसाफ नहीं करता, क़यामत के दिन ऐसे उठेगा कि उसकी एक साइड पे फालिज गिरा हुआ होगा, एक तरफ झुक जाना, एक को लटका हुआ छोड़ देना, ये भी गुनाहों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इस मैदान में उतरना है तो अच्छी तरह सोच के उतरे कि आपको दोनों के दरमियान इंसाफ करना पड़ेगा, टाइम में इंसाफ, बारियों में इंसाफ, खाने में इंसाफ है। तो मालिक फरमाता है जो लोग काफिर हुए इन्हें हलाकत हो, अल्लाह इनके अमाल गारत कर देगा, ये इसलिए कि वो अल्लाह के नाजिल करदा दीन से नाखुश हुए, बस अल्लाह ने इनके अमाल जाया कर दिए, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाज़िल किया उससे नफरत की, फअहबत अमालहुम, इनके अमाल बर्बाद हो गए, बस अल्लाह के नाज़िल करदा दीन से नाखुश होने वाला काफिर है, इसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। मुनाफिकीन के अमाल के ज़ाया होने की वजह भी यही मालिक ने बयान फरमाई कि वो अल्लाह की रज़ामंदी को बुरा जानते थे, ज़ालिक बिअन्नहुम, ये इसलिए ये मुनाफिकों के अमाल क्यों बर्बाद हुए कि उन्होंने उस रास्ते पर चले, उस राह के राही बने, अल्लाह को उन्होंने नाराज कर दिया और उन्होंने उसकी रजामंदी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने उनके सारे अमाल को बर्बाद कर दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। 5 हमने नाकिद बयान किए हैं, कभी अल्लाह ने ज़िंदगी में फिर कभी मौका दिया तो अगली मजलिस फिर बर्पा होगी, टाइम काफ़ी हो चुका है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें।